नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। नजर डालते हैं 5 मिनट 25 खबरों पर। पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे दिल्ली स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज। यहां पर पीएम मोदी ने गुरु तेग बहादुर को दी श्रद्धांजलि। अचानक तय हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा। भारत चीन से तनाव और पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए डीआरडीओ सेना को देगा दुनिया की सबसे बेहतरीन तोप। अपनी 48 किलोमीटर की अचूक मारक क्षमता की वजह से दुनिया की बेहतरीन होगी तोप। सिक्किम के गंगटोक में पकड़ी गई 14 लाख की बड़ी खेप मामले में एक पुलिस अधिकारी समेत 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बजट तैयारियों में जुटी निर्मला सीतारमण, कहा 2021-22 में अब तक का सबसे अलग बजट होगा पेश। शुभेंद्र अधिकारी गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में हुए शामिल। अमित शाह ने जय श्री राम के नारे के साथ लिया टीएमसी को उखाड़ने का प्रण। अमित शाह ने की राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों के साथ बैठक। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ, आतंकवाद और गौ तस्करी समेत राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का दिया निर्देश। दीदी को अमित शाह की चुनौती, 200 सीट जीतकर सरकार बनाएगी बीजेपी, मंच से लगे जय श्री राम के नारे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया, वंदे भारत मिशन शुरू होने के बाद दूसरे देशों में फंसे 39 लाख से अधिक भारतीयों को लाया गया वापस। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में किसान के घर अमित शाह ने खाया खाना, परोसी गई दाल चावल खीर और रसगुल्ले। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एनएसए डोभाल के बेटे से मांगी माफी। 7 जनवरी 2019 को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने विवेक डोभाल की कंपनी पर आरोप लगाते हुए उसकी तुलना डी कंपनी के साथ की। नोएडा के यमुना सिटी में बनेगा साइंस पार्क, हेरिटेज गैलरी, इसके साथ ही बनेगा एक साइंस का म्यूजियम। दिल्ली के नेशनल साइंस सेंटर की तर्ज पर किया जाएगा विकसित। एनआईए ने 6 पाकिस्तानियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। 237 किलो ड्रग्स के साथ हुए थे गिरफ्तार, पिछले साल मई में पाकिस्तान से गुजरात आए थे। आरोप प्रत्यारोप के बीच बंगाल के नदिया जिले में रविवार सुबह वॉल राइटिंग वॉर देखने को मिला, जिसमें लोगों को संबोधित करते हुए लिखा गया, टीएमसी के खिलाफ वोट दिया तो खून की नदियां बहेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी बजट के लिए देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ किया विचार विमर्श। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी अगला बजट पेश। शहनाज गिल के नए सॉन्ग कह गई सॉरी ने मचाया तहलका, 2 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया ये वीडियो। देश में बीते 24 घंटों में 11 लाख से अधिक नमूनों की कोरोना वायरस संबंधी की गई जांच। जांच से गुजरने वाले नमूनों की कुल संख्या 16 करोड़ से हुई ज्यादा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। उज्जैन में लव जिहाद का मामला आया सामने। विकास निकला वसीम, ड्राइविंग लाइसेंस से खुली पोल, महिला ने ड्राइविंग लाइसेंस देखकर पुलिस से की शिकायत। योगी सरकार ने गांव में जमीनों से जुड़े अभिलेखों को लिखित रूप से दर्ज कराए जाने को लेकर 15 दिसंबर से विशेष अभियान किया शुरू। जमीन से जुड़े विवाद और उत्तराधिकारी जैसे मामलों पर अब लगेगी लगाम। राहुल गांधी की फिर ताशपोशी तय, बैठक में बोले राहुल, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको निभाऊंगा। अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद का डिजाइन हुआ लॉन्च। 5 एकड़ की जमीन पर मस्जिद और अस्पताल की बनेगी 2 इमारतें। आईफोन फैक्ट्री में तोड़फोड़ विवाद, सौर विस्टॉन के साथ सभी तरह के बिजनेस पर एप्पल ने लगाई रोक। दिल्ली में सोमवार से विद्यार्थियों के लिए खोला जाएगा जेएनयू कैंपस, 7 दिन के क्वारंटीन के बाद मिलेगी अनुमति। कोरोना को लेकर भारत का रिकवरी रेट दुनिया में सबसे ज्यादा, 1 करोड़ कोरोना संक्रमितों में 95,86,000 हुए ठीक। नीरव मोदी के भाई निहल मोदी पर न्यूयॉर्क में लगा 19 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 26,624 नए केस आए सामने और 341 लोगों की हुई मौत। कुल संक्रमितों की संख्या 1,31,000 के पार। 5 मिनट 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।